हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आप लोगों के बीच में फिर से क्लास 12 की फिजिक्स लेके आया हूँ। आज में मेरा टॉपिक जो रहेगा, लेसन जो फर्स्ट में आपको पढ़ा रहा था वायु क्षेत्र था कूलॉम्ब का नियम, उसी में आज एक नया टॉपिक होगा वायु क्षेत्र। काफ़ी गर्मी है, काफ़ी उमस है, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी जिस वजह से मैं क्लासेस को रेगुलरली ले नहीं पा रहा था, बट मैं कोशिश करूंगा क्लासेज अब रेगुलर चले आती। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वायु क्षेत्र होता क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, गर्मी बहुत है, पंखा नहीं चला सकते हैं। अगर पंखा चलाएंगे तो क्या होगा कि आवाज अच्छे से नहीं आएगी। चलिए समझते हैं वायु क्षेत्र क्या होता है। किसी पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य आवेश लाए जाने पर वह आवेश उस क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम वायु क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कहा गया, डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहा गया कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक वायु क्षेत्र है, मतलब कि एक प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण एक क्षेत्र बन रहा है। इस ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण एक क्षेत्र हमने डिजाइन किया है। अब अगर इस क्षेत्र के भीतर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, मान लीजिए हम कोई धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं इसको हम बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। अब इस धन परीक्षण आवेश को हम इसके मतलब ये जो प्लस क्यू है, इसके कारण चारों तरफ एक क्षेत्र बन रहा है, इसके अंदर हम लेकर आते हैं तो क्या होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जैसे इस क्षेत्र के अंदर यह धन परीक्षण आवेश प्रवेश करेगा, तुरंत क्या करेगा, ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। किसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे। तो देखिए यहां तो यह भी धन है, यह भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कूलॉम्ब के नियम के अनुसार समान आवेशों में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है। लेकिन बाय द वे अगर सपोज करिए ये प्लस क्यू आवेश नहीं है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो फ्रेंड ये जो धन परीक्षण आवेश है तुरंत इस माइनस क्यू आवेश द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अपनी ओर खींच लिया जाएगा। यानी इस दशा में क्या होगा कि इसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस दायरे के भीतर मतलब इस प्लस क्यू या माइनस क्यू, चाहे प्लस क्यू आवेश हो यहां चाहे माइनस क्यू आवेश हो, इस दायरे के भीतर जब हम प्लस क्यू नॉट आवेश के ऊपर जो बल लगेगा, चाहे प्रतिकर्षण का लगे चाहे आकर्षण का लगे, तो ऐसे क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, वायु क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तब तक आप उसकी नजर निकालिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं वायु क्षेत्र की तीव्रता। आपको वायु क्षेत्र समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ते हैं वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर इसकी परिभाषा को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। किसी पहले डेफिनेशन को एक समझ लीजिए, डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, किसी वायु क्षेत्र में। अब वायु क्षेत्र आपको पता चलेगा, वायु क्षेत्र आपका धन आवेश के कारण भी हो सकता है और ऋण आवेश के कारण भी हो सकता है, क्लियर है। तो किसी वायु क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, रखे एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल वेक्टर एफ, परिभाषा समझना, लगने वाला बल वेक्टर एफ तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण फ्रेंड क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, एक वायु क्षेत्र है। तो इसमें कोई आपका धन परीक्षण आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू नॉट है, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो जो बल होगा उसका मान मान लो कितना है, वेक्टर एफ है, क्योंकि बल सदिश राशि होती है, इसका मान मान लीजिए कितना है, वेक्टर एफ है। तथा ये जो धन परीक्षण आवेश है फ्रेंड, इसकी निष्पत्ति प्लस क्यू नॉट के अनुपात, मतलब अनिष्पत्ति को ही अनुपात हम कहते हैं, बराबर किसके होगा, वेक्टर ई के, यानी वेक्टर ई वायु क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ आगे बात, कहने का मतलब यह है कि किसी वायु क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल वेक्टर एफ तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। यानी वेक्टर ई बराबर क्या होगा, प्राइम वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होगा। फार्मूला आपको याद हो जाएगा, वेक्टर एफ अपान क्या होगा, फ्रेंड क्यू नॉट। आप लिख सकते हो अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लिखे यहाँ लिख सकते हो, डेफिनेशन फॉर्म में आ गए, उसके बाद लिखिए अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ अपान क्या, क्यू नॉट। यहाँ एफ क्या है, एफ आपका बल है, क्यू नॉट क्या है, आपका धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की सूत्र तो पता चल गया वेक्टर ई का क्या होता है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यल का मात्रक। फ्रेंड बताइए क्या होता है, यल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू नॉट क्या है, एक आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। यानी क्या बनेगा मात्रक, न्यूटन पर कूलम। यानी आप बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यूनिट भी पूछी जाती है न्यूटन पर कूलम। आप लोग इसका आंसर बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकाल के आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि बहुविकल्पीय प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, आप लोग निकाल के इसके बताएंगे। क्लियर, चलिए अब हम समझते हैं आगे कुछ टॉपिक को समझते हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं, तो प्रकाश नजर निकालिए। ठीक है, चलिए एक आगे के टॉपिक को समझते हैं। हेडिंग रिलेटेड टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही है, मतलब यह हेडिंग आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही संबंधित है। हेडिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। अब यहां पर इसका करने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लीजिए ये आपका है एक वैद्युत क्षेत्र है, शरीर गोला बना है, इसका मतलब ये है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी है, वेक्टर ई है, कितनी है, हमने कहा किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र है उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वेक्टर ई है। तब इस बिंदु पर अगर मान लीजिए कोई आवेश आ रहा है, मतलब कोई आवेशित कण है, जिसका कोई आवेशित कण मान लो कितना है, प्लस क्यू है, कितना है, प्लस क्यू है, इसी बिंदु पर क्या है, कोई आवेशित कण प्लस क्यू है, तब इस बिंदु पर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वेक्टर ई है, यहां पर आवेश कितना है, प्लस क्यू है, यानी आवेशित कण पर। तो इस आवेशित कण पर जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा, उसका मान फ्रेंड क्या होगा, वेक्टर एफ बराबर होगा आपका क्यू वेक्टर ई। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, इतना आपको जानकारी जरूरी है। कैसे हुआ, हमने पढ़ा अभी, इसके पहले हमने क्या भी पढ़ा, ई बराबर वेक्टर ई बराबर, हमने फार्मूला क्या, उसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना आपको, इतना नोट करना आपको। इसके पहले हमने पढ़ा वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता है, वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता है, तो यहाँ एफ क्या है, बल है, क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर धन परीक्षण आवेश होगा तो सूत्र क्या बनेगा, वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। क्या धन परीक्षण आवेश के अलावा कोई और आवेश नहीं आ सकता जिसके ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मान लीजिए इस धन परीक्षण आवेश के अलावा हम कितना आवेश मानते आ रहा है, क्यू आवेश आ रहा है, क्या फार्मूला बनेगा, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू, एफ बटे क्यू बनेगा तो वेक्टर एफ बराबर क्या होगा, क्यू वेक्टर, इधर पक्षांतर करेंगे क्या बनेगा, क्यू वेक्टर ई, वही तो हमने डायरेक्ट में लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये छोटा टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने आपको जैसा बताया कि आप लोग फ्रेंड वैद्युत क्षेत्र की बीमा जरूर निकाल के बताइएगा। अब मैं जो अगला टॉपिक आपको लूंगा वो आज छोटा टॉपिक नहीं है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, आगे के टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है मैं उस पर पूरा खड़ा होने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।